स्टूडेंट्स हम लोग आज चर्चा करेंगे, एसआई यूनिट की चर्चा जहां अधूरी छोड़ दिए थे उससे आगे की हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एसआई सेवन बेसिक यूनिट्स ऑफ एसआई था फॉर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट डे हम लोग चर्चा किए तो उसमें मास, लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह था। अब क्या कहता है कि एसआई यूनिट हमको अलाउ करता है कुछ प्रीफिक्स यूज करने के लिए, और प्रीफिक्स यूज करने से क्या होता है कि इसी यूनिट का हम लोग को मल्टीपल या सब मल्टीपल मिलता है। जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर, तो उससे अगर छोटा अगर कोई छोटी चीज़ें या छोटी लंबाई की चीज़ें नापनी हो तो मीटर बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा। उसका सब मल्टीपल हम लोग यूज करेंगे, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो उसको सब मल्टीपल कहते हैं। तो उस यूनिट के पहले कौन सा प्रीफिक्स लगाएं और उससे कौन सा सब मल्टीपल इंडिकेट होगा, उसका टेबल हम अभी बनाए, उस पर चर्चा करेंगे। सिमिलरली अगर हमको किलोमीटर में कोई बहुत बड़ी दूरी नापनी हो किलोमीटर में, तो मीटर हमारा एसआई यूनिट है बेस यूनिट, और किलोमीटर उससे बड़ा साइज का यूनिट है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल ऑफ मीटर यूज करेंगे। मतलब मीटर में एक मल्टीपल लगेगा और उस मल्टीपल के लिए कौन सा किलोमीटर, मीटर तो हमारा एसआई यूनिट है, अब उसके पहले एक हमने प्रीफिक्स लगा दिया किलो, तो उसके लिए क्या सिंबल होगा और उसका क्या वैल्यू होगा उस मल्टीपल का, उसके लिए डाटा हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत बचपन से भी मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो वगैरह वगैरह सब ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ हमने टेबल बनाया है, तो तुम देख सकते हो, गौर कर रहे होगे, तो टेबल बना है मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल। तो हम लोग यहाँ से एकदम सेंटर से शुरू करते हैं, इस जगह से डेसी, हम लोग जनरली डेसी जरूर यूज करते हैं प्रीफिक्स में। जैसे डेसी मीटर अगर कहना हो तो डेसी का वैल्यू, डेसी का सिंबल हमेशा स्पेलिंग करके डेसी नहीं लगाते हैं। मैथमेटिकल या साइंटिफिक अप्रोच ये है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट में संभव हो सकेगा अगर तो करना है। जैसे डेसी के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे स्मॉल डी, और इसका वैल्यू होगा 10^-1। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को सबको मालूम है कि मीटर इज द यूनिट ऑफ बेस यूनिट ऑफ लेंथ, बेस यूनिट लेंथ का है। ये सिंबल हुआ मीटर का। अगर हमको पूरा लिखना होगा तो स्पेलिंग लिखना पड़ेगा METR। तो हमने चूंकि सिंबल लिखा तो डेसी के लिए भी सिंबल लिख देंगे डी प्रीफिक्स। एक्चुअली हमने यहाँ डेसी लिखा बट शॉर्ट में लिखा स्मॉल डी, तो बन गया ये डेसी मीटर। फुल नेम इसका होगा डेसी मीटर, ये हाइफन देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बेस यूनिट है, उसमें प्रीफिक्स लगा दिया डी, शॉर्ट में लगाया, नहीं तो पूरा स्पेलिंग करके लिखते DECI लिखना पड़ता है, डेसी मीटर। और तुम देखो डेसी का वैल्यू है 10^-1। इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखें, अगर यहाँ 1 डेसी मीटर की चर्चा करें तो इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो 10^-1 मीटर होगा, 10^-1 मीटर, 1 डेसी मीटर इज इक्वल, ठीक है। सिमिलरली सेंटीमीटर लिखना है, मान लो मीटर में तुम्हें लगाना है, मीटर में लगाना है सेंटी, सी स्मॉल सी, तो 1 सेंटी, तो सेंटी का वैल्यू यहाँ देखोगे 10^-2, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। एक्चुअली तुमको केवल जो प्रीफिक्स लगा उसका वैल्यू लिखना है, तो सेंटी का 10^-2 और मीटर तो रहेगा, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर होगा। और इस प्रकार से तुम किसी पे भी यूज कर सकते हो, अगर नैनोमीटर यूज करना है तो 10^-9 मीटर, क्लास 9 वगैरह हम लोग यूज करते थे। ये हुआ सब मल्टीपल छोटा। अगर हमको इसका बड़ा यूनिट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मीटर में कोई बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं, अगर हमारे पास है मीटर है लेंथ, और इसमें हम लोग मल्टीपल लगाना चाहते हैं, तो डेसी यहाँ से आना पड़ेगा, डेसी के नीचे डेका में आना पड़ेगा, और डेका का सिंबल है डी ए। अगर हेक्टो में जाना है तो एच जाना पड़ेगा, एच। तो हेक्टो का वैल्यू देखो यहाँ कितना है 10^2, तो 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा 10^2 मीटर। अगर तुम किलो लगाना चाहते हो, अगर मीटर में तुम किलो लगाना चाहते हो तो किलो का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 10^3, तो 10^3 और मीटर प्रीफिक्स किलो है। क्या इज द प्रीफिक्स? एम इज नॉट द प्रीफिक्स, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ और द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये लेंथ का ये बेस यूनिट है, इसमें प्रीफिक्स के लगाएं तो के का वैल्यू यहाँ टेबल में दिया हुआ है, किलो का वैल्यू दिया हुआ है 10^3, स्मॉल के का वैल्यू 3, और इसका वैल्यू हो जाएगा 10^3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इसके प्रीफिक्स यूज करके
बेस यूनिट से छोटा यानी सब मल्टीपल्स वाला यूनिट यानी छोटा स्मॉलर यूनिट यूज कर सकते हैं और मल्टीपल में बड़ा यूनिट यूज कर सकते हैं। ये केवल लेंथ के साथ ही नहीं, हम लोग मास में किसी भी चीज़ में किसी भी बेस यूनिट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो तुमको जनरली कैलकुलेशन वगैरह में या केमिस्ट्री की पढ़ाई में जरूरत पड़ेगी वो सब है, मास है, वेट है। तो केमिस्ट्री में मास और वेट में अंतर नहीं है, तो मास और वेट पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मास और वेट पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये हम लोग जान रहे हैं मास और वेट वगैरह हम लोग जान रहे हैं। वॉल्यूम भी जानते हो, वॉल्यूम में भी नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉल्यूम में भी, वॉल्यूम भी से जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। और वॉल्यूम का ऐसा ही किसी को वॉल्यूम वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जनरली लिखते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीन तरह का लेंथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर वॉल्यूम मिलता है। ये अलग बात है कि मैथमेटिक्स में लेंथ और इसको ब्रेथ कह दें और इसको हाइट कह दें या कुछ कह दें, ठीक है। डायमेंशन के रूप में लेंथ 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 ही है, नाम बदल कर लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह कर देते हैं। मीटर में मीटर, अगर ऐसा ही मीटर तो मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, तीन बार नापेंगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होगा, बट हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर नहीं करते, कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ने लिखने में यूज करने वाला अलग है। हम लोग पढ़ने लिखने में लीटर यूज करते हैं, लीटर, और लीटर का सिंबल होता है एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल। बहुत सारे लोग गलत स्मॉल एल लिख देते, बट ये गलत है। कैपिटल एल इज द यूनिट ऑफ लीटर, लीटर का जो सिंबल है वो कैपिटल एल, कैपिटल एल है, कैपिटल एल, कैपिटल एल है, ठीक है, कैपिटल एल है। और वन लीटर इज इक्वल टू होता है थाउजेंड मिली लीटर, थाउजेंड मिली लीटर इक्वल टू होता है थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब, यानी मिली लीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही है, थाउजेंड थाउजेंड। और वन लीटर होता है वन डेसीमीटर क्यूब, वन डेसीमीटर क्यूब, वन डेसीमीटर क्यूब, यानी लीटर एक लीटर एक डेसीमीटर क्यूब कहलाता है। मतलब बेस यूनिट के में सब मल्टीपल, जब बेस यूनिट मीटर है मीटर में डेसी लगा हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस पर भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डेंसिटी होगा तो मास बाय वॉल्यूम कर देंगे, मास को अगर किलोग्राम में लेंगे और ये ऐसा यूनिट में लेंगे तो किलोग्राम पर डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, डेंसिटी डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो ये अगर मास अगर किलोग्राम में लें, वॉल्यूम अगर लें मीटर क्यूब में, हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये नीचे है इसको ऊपर जाएगा माइनस पावर हो जाएगा 20 और 20। बट अगर स्मॉल, ये बड़ा यूनिट है, अगर छोटा यूनिट में स्मॉलर यूनिट यूज करें तो वहाँ कर देंगे ग्राम, ऊपर में कर देंगे ग्राम और नीचे कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी मेजर करते हैं। ये सब चीज़ें जान। एक और चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी, मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। देन कम्स टेम्परेचर, एक बात आती है टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात आती है। टेम्परेचर जनरली तीन तरह के यूनिट हो जाते हैं हम लोग, तीन तरह का टेम्परेचर मेजर करने का तीन तरह का यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने का। एक है सेल्सियस, सेल्सियस जो कि हम लोग सी लिखते हैं उसका सिंबल, फिर फारेनहाइट, फारेनहाइट और जिसको हम लोग कैपिटल एफ लिखते हैं, एंड कैल्विन, कैल्विन जिसको हम के कैपिटल। ये तीन तरह के यूनिट हैं थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। तो ये जो सेल्सियस स्केल का जो थर्मामीटर होता है, सेल्सियस स्केल का जो थर्मामीटर बना हुआ होता है, इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसमें जो मरकरी है, मरकरी मरकरी अगर इस थर्मामीटर को फ्रीजिंग वाटर में जाओ, मतलब तो जस्ट जहाँ वाटर वाटर जस्ट जहाँ जाकर फ्रीज करता हो, वहाँ पर हम लोग इस थर्मामीटर में लिखा होता है जीरो डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जीरो डिग्री सेल्सियस। इसका रूम टेम्परेचर
मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, मतलब केमिस्ट्री में जो रूम टेम्परेचर माना गया स्टैंडर्ड वो 25 डिग्री, लेकिन रूम का हमेशा 25 डिग्री नहीं होगा, बट केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन के लिए माना गया वो 25 है। बॉयलिंग वाटर जब इसमें पानी खोलने लगेगा तो मरकरी का लेवल वहाँ तक आ जाएगा जहाँ इस थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ये है बॉयलिंग वाटर का टेम्परेचर, ये है सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल का सिंबल लगता है, जीरो जैसा सिंबल है वो डिग्री का रहता है। ये है बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर, ये बॉइलिंग वाटर का ये टेम्परेचर है। बॉइलिंग वाटर, वाटर जब बॉयल करता है बॉइलिंग वाटर। ये है फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर। इसमें जो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर, केल्विन स्केल का जो थर्मामीटर है, केल्विन वाला जो थर्मामीटर है, फ्रीजिंग वाटर जहाँ पर फ्रीजिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उस जगह इसमें लिखा मिलेगा 273.15 केल्विन। फ्रीजिंग वाटर वाला टेम्परेचर, फ्रीजिंग वाटर वाला टेम्परेचर, फ्रीजिंग वाटर वाला टेम्परेचर 2.7। और बॉयलिंग वाटर वाला जो टेम्परेचर जहाँ पर है वहाँ पर मरकरी जब रहता है इस जगह पर थर्मामीटर में लिखा हुआ 373.15 केल्विन। ये बॉयलिंग वाटर का टेम्परेचर है, यानी ये दोनों टेम्परेचर बराबर है। यहाँ फ्रीज करता हुआ पानी को इस थर्मामीटर को डुबाएंगे, यानी उसी पानी में अगर इसको डुबाते हैं फ्रीजिंग वाटर में, यानी टेम्परेचर तो सेम है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन टेम्परेचर आर इक्वल बिकॉज बोथ आर द फ्रीजिंग वाटर टेम्परेचर। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, ये बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर सेल्सियस में नापना है तो 100 और केल्विन में नाप मेजर करना है तो इतना होगा। और रूम टेम्परेचर नापना हो तो 298.15 केल्विन। ये 15 इग्नोर किया जाता है रूम में, यहाँ पर भी 273.15 में 273 ही दिया जाता है। 273+25, यस। सिमिलरली जब फारेनहाइट वाला जो थर्मामीटर यूज किया जाता है, फारेनहाइट वाला थर्मामीटर, इसमें जो फ्रीजिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग वाटर वाला, दैट इज योर 32 डिग्री फारेनहाइट। रूम टेम्परेचर जो है 77 डिग्री फारेनहाइट, और जो बॉइलिंग वाटर वाला टेम्परेचर है, बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर है एट वी टू कैलकुलेट कितना होएगा देखते हैं। इसका रूल जो है एक दूसरे में फारेनहाइट में चेंज करना है डिग्री फारेनहाइट में, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 किया जाता है, तो 100 डिग्री करें अगर तो 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाए। तो ये फॉर्मूला है फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच रिलेशन को बताने के लिए। ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ होगा कि अगर सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है और उसको फारेनहाइट में चेंज करना है तो यूज दिस फॉर्मूला। डिग्री फारेनहाइट, ये डिग्री का सिंबल है, जीरो नहीं है, ये डिग्री है। डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री सेल्सियस का जितना वैल्यू दिया हुआ रख दो, 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको 32 ऐड कर दो तो फारेनहाइट में निकल जाएगा। सिमिलरली 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, केल्विन में अगर टेम्परेचर निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ उसमें 273.15 या रफली 273 अगर 1 पॉइंट को इग्नोर करना चाहते हो तो 273 ऐड कर दो तो केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस पर चर्चा करनी चाहिए, यह सब जानना चाहिए, सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। देन कम्स, अच्छा ये सब चीज़ें मेजर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे तो थर्मामीटर हम लोग यूज करेंगे थर्मामीटर और बताएंगे हाँ किसी कोई सिक पर्सन है कि हाँ उसका फीवर कितना है, यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग थर्मामीटर से मेजर करते हैं। कहीं रूम की लंबाई हो, कागज़ की कोई सिक का, किसी कमरे की लंबाई हो या किसी ऑब्जेक्ट कोई सब्सटेंस की लंबाई वगैरह हो, तो हम लोग एक मीटर टेप लाते हैं। कागज कॉपी की लंबाई, कलम की लंबाई नापनी हो, पेंसिल की लंबाई नापनी हो, तो हम लोग सेंटीमीटर वाला कोई लेंथ के लिए कोई स्केल लाते हैं और मेजर करते हैं लेंथ। कई बार बहुत सा सामान डेली लाइफ में हम लोग वजन लेते हैं कि भाई ये सामान कितना है,
कितना है सामान बाजार से जो खरीदते हैं उसको भी मेजर करते हैं, तो मास मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं। कई बार लिक्विड वगैरह है, दूध वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो सही दिया है कि कम दिया है, ज़्यादा दिया है, उसके लिए उसका वॉल्यूम जनरली मेजर किया जाता है। लीटर में खरीद के लाते हैं कि एक लीटर, बोलने का तो बोलता है किलो, बट वो जब मेजर किया जाता है तो वो जो मापने का जो तरीका है उसमें वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो जो हम लोग मेजर करते हैं उसमें कितनी सर्टेनिटी है, मतलब कितना सही सही मेजरमेंट हो रहा है या गलती हो रही है। इवन हम लोग जब हाइट मेजर करते हैं, कई बार स्टाफ नर्स के रूम में जाकर, नर्स मैडम के एमआई रूम में, तो हम लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि नहीं नहीं कोई कहता नहीं ये 5 फीट 3 इंच है, कोई कहता नहीं ये 5 फीट 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कोई कहता नहीं 5 फीट 4 इंच लग रहा है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट सही नहीं है, लोग रफली ले लेते हैं मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, कुछ त्रुटि रह जाती है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। Uncertainty in measurement.